Alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa lahlihi, wa sahabihi, ajma'in, amma ba'd. जैसा कि हम सब जानते हैं, रमज़ान का महीना अभी करीब आ रहा है और मेरे भाइयों, मसला ये है कि अक्सर लोग रमज़ान की जो फजीलत हासिल करनी चाहिए, जो रमज़ान से फ़ायदे हासिल करना चाहिए, वो फ़ायदे किए बगैर रमज़ान के बाद रमज़ान ज़िंदगी की निकल जाती है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा के आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा मुकर्रर किया गया है, कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले वालों पर मुकर्रर किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, सीख लो, ताकि तुम तकवा सीख लो, ये मकसद है रमज़ान का। अब मुसलमानों का आम तौर पर तकवा ख़राब है, आम तौर पे तकवे के मामले में मुसलमान बहुत कम है, बहुत ही पीछे हैं। तो पीछे है तो वजहों में से वजह यह है कि रमज़ान की फजीलत हासिल नहीं करते हैं। लअल्लकुम तत्तकून का जो महीना है, तकवा सीखने का जो महीना है, वो हमारे यहाँ शॉपिंग का महीना है। आप देख लीजिए, किसी दुकानदार से पूछो जो मुस्लिम एरिया में दुकान है, कि भाई तुम्हारा साल का सबसे पीक सीज़न कौन सा है, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स कौन से महीने में आते हैं, रमज़ान के महीने में आते हैं। जब रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खुले हुए होते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं, जब शयातीन कैद होते हैं, तो मुसलमान अक्सर दूसरे कामों में बिज़ी होते हैं। जो वक्त पर लअल्लकुम तत्तकून करना चाहिए, वो वक्त पर हम देखते हैं कि हमारे लिए ये दूसरी चीज़ों का महीना है, खाने पीने का महीना है, हमारे लिए शॉपिंग का महीना है। मेरे भाइयों, इस वक्त पर अल्लाह का एहसान है कि मुझे ये मौजू मेरे जहन में आया कि आप सबके सामने बात रखूँ और एक एक्शन प्लान रखूँ। देखिए, हर साल ये होता है, यही कॉमन बात है, क्यों ना हम सब एक शुरुआत करें, शुरुआत ये करें कि रमज़ान में शॉपिंग नहीं करेंगे, अभी से करके रख देंगे। अगर किसी महीने को शॉपिंग का महीना बनाना ही है, तो चलो शाबान को बना देते हैं। अभी शाबान के जो आखिर के चंद दिन हैं, इसे शॉपिंग का पीक टाइम बना लीजिए। जैसे रमज़ान में जैसे कस्टमर्स निकलते हैं, तो हम एक ट्रेंड ये शुरू करें कि चलो ईद की कुछ तैयारी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तब लेने की जगह अभी से ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त को क्यों ज़ाया करें मार्केट में। मार्केट में क्या होता है कि लोग एक बार में सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, दो चार जगह जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे। तो एक्शन प्लान ये है कि अपनी बीवी बच्चों को जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके लिए वगैरह, जो भी शॉपिंग का जो भी हो, वो अभी से कर लें, ताकि रमज़ान में हम अपने मेन मकसद पे फोकस कर सकें। दूसरी चीज़ क्या करें मेरे भाइयों, इन दिनों में रमज़ान की जो फजीलत है, रोज़ों की फजीलत है, वो फ़ज़ाइल जो होते हैं ना, वो फ़ज़ाइल मालूम करना चाहिए। क्यों मालूम करना चाहिए? वो फ़ज़ाइल मालूम करने से दिल में रग़बत पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम रमज़ान के महीने में एंटर हों तो फीके फीके नहीं, पूरे एनर्जी लेवल के साथ के रमज़ान का महीना आया हुआ है। वो रगबत दिल में कैसे आएगी? वो फजाइल से आएगी। तीसरी चीज़, रमज़ान के अंदर जो मसाइल ज़रूरत पड़ने वाले हैं, जो सारे मसाइल, वो मसाइल के ताल्लुक से इल्म क्यों ना अभी सीख लें, थोड़ा वक्त क्यों ना डाल दें अभी। एक मिसाल है कि दो लकड़हारे हैं, वुड कटर्स, जो दोनों जाते हैं कट करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। एक पहले से तैयारी करता है, अपने हथियारों को, औजारों को तेज़ करता है, दोनों जाके उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक ज़्यादा काट के आता है और दूसरा कम काट के आता है। फ़र्क क्या है? तैयारी। तो हम रमज़ान से पहले ये वक्त में अगर तैयारी कर लेंगे, तो रमज़ान से ज़्यादा हासिल करके आएंगे। क्या? तकवा। लअल्लकुम तत्तकून के महीने में जो हासिल करना है, वो इंशाल्लाह हासिल करके आने में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये शुरू का वक्त। तो मैंने आपके सामने तीन बातें रखी है। नंबर वन, मशगूलियात। क्या चीज़ रमज़ान में आपको ऑक्यूपाई करती है? क्या आप ऑफिस में कुछ सेटिंग कर सकते हो? क्या आप जॉब में, बिजनेस में कुछ कर सकते हो कि अभी से तैयारी कर लूं? अभी रमज़ान का मैं वो बर्डन है, इतना अभी से करके रख दूं, इतना काम, अकाउंट्स वगैरह, क्या चीज़ करनी है पहले से करके क्या रख सकता हूं? तो वो करके रखिए। या शॉपिंग करना है, औरतों का कई बार किचन की चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें वो तैयार करके रख देती हैं, मसाले वगैरह, जो रमज़ान में फिर टाइम बच जाता है। तो अभी से तैयारी कर सकते हैं मशगूलियात, क्योंकि अगर मशगूलियात ने आपका टाइम ले लिया तो 24 घंटे ही है ना, आराम भी करना है। रमज़ान में आप जानते हो कि रोज़े के वजह से कुछ जिसम में भी कमी आती है, बॉडी में कुछ एनर्जी कम भी होती है, तो कवर करना होता है। तो क्या मशगूलियात को आप कट कर सकते हो, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या है? फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल से रगबत पैदा होती है। नंबर तीन, मसाइल। मसाइल से आदमी गलती से बचता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में उसका असल मकसद जो है तकवा सीखना, अल्लाह ताला हमें वो मकसद हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।